Good morning. Again, we are assembled here for the further discussion of geography chapter. Few physiographic divisions we have already discussed into it. Like, we have already discussed the formation of Northern Mountain. Then we have discussed the Northern Plain. Northern Mountain, Northern Plain, we have discussed. We have also discussed about the Peninsular Plateau region. In this video, we will discuss the other physiographic division, the other physiographic divisions like it is that we will discuss today. It is coastal plain. Then we will discuss Indian desert. Then we will discuss it. Island groups of India. Three things that we are going to discuss today: the coastal plain, the Indian desert, and the island group. First, we will discuss the coastal plain. Coastal plain. इस तरह से इंडिया का ऑलमोस्ट सेम। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेस्टर्न घाट एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड द ईस्टर्न घाट। नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड Eastern Coastal Plain and this one is called Western Coastal Plain. In the east it is Eastern Coastal Plain, in the west it is a Western Coastal Plain. कुछ नया नहीं है, पता है ईस्ट में होगा तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्ट में है तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. It is also obvious it is our Bay of Bengal and this is our Arabian Sea. It means if we say the western coastal plain is a sandwich between the Arabian Sea and the western ghat and eastern coastal plain is a sandwich between the Bay of Bengal and eastern ghats. ये घाट जो है वेस्टर्न घाट, पहले इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, ये सिर्फ यहीं नहीं स्टार्ट है, ये जो पार्ट है गुजरात का पार्ट, ये जो गुजरात का पार्ट है रन ऑफ कच्छ मिलेगा यहां पे, जो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ कैम्बे और गल्फ ऑफ खंभात इस इज कॉल्ड। ये जो गुजरात का ये इलाका है सौराष्ट्र रीजन इज द मोस्ट फर्टाइल रीजन, गुजरात में सौराष्ट्र तो रीजन है कि जो बहुत ही फर्टाइल रीजन है,
ये जो रीजन है, इट इज वेरी नैरो स्ट्रिप, बहुत ही पतला स्ट्रिप है। इट रेंजेस फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर, इसकी विड्थ 10 to 50 किलोमीटर है। इट इज रेंजिंग बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर, मतलब कि कहीं चौड़ाई कम, कहीं पर ज्यादा चौड़ाई ज्यादा है। दिस इज मोस्ट अनड्यूलेटिंग सरफेस, ये बहुत ही अनड्यूलेटिंग सरफेस है। अब यहां से यहां तक, इफ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द मैप इन योर ब्रेन, इन योर माइंड, इट वुड बी ऑब्वियस दैट व्हिच स्टेट्स आर ओवर हियर। इफ से गुजरात, गुजरात के बाद इधर वाला इलाका देखेंगे तो हमको मिलेगा कौन सा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में छोटा सा पार्ट हो जाएगा यहाँ पर, इट इज कॉल्ड गोवा, यहाँ हो जाएगा गोवा रीजन। एंड गोवा के बाद आएंगे तो ये पार्ट यहाँ तक का जो हो जाएगा वो कर्नाटक का हिस्सा हो जाएगा, और जस्ट बिलो टू कर्नाटक इट इज आवर केरल। इट मीन्स इफ वी से इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज स्ट्रेचेस इन विच स्टेट इट इज, स्टेट करेंगे तो वी कैन कंस्ट्रक्ट गुजरात, नो प्रॉब्लम, बट बेसिकली इट इज फ्रॉम द महाराष्ट्र, देन वी हैव द गोवा, देन वी हैव द कर्नाटका, देन वी हैव द केरला। बाय नेम वी हैव फर्दर बाइफर्केटेड। एक तो कहा गया कि ये यहां से यहां तक का जो इलाका है इसको कहा गया कोंकण कोस्ट, और ये जो इलाका है इट इज कॉल्ड योर मालाबार कोस्ट। बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, कौन कौन सा, एक व्हिच इज कॉल्ड द कोंकण कोस्ट, अनदर वन व्हिच इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। लेकिन इफ फर्दर बी डिवाइडेड, इसका भी कई नाम हो गया, महाराष्ट्र कोस्ट, गोवा कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, जो कर्नाटक का रीजन है कन्नड़ कोस्ट, देन वी हैव द मालाबार कोस्ट। समझ में आ रही बात, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द कोंकण कोस्ट, देन वी हैव द मालाबार कोस्ट। इफ वी फर्दर सब डिवाइडेड वी कैन गेट इट द महाराष्ट्र कोस्ट, देन वी हैव द गोवा कोस्ट, देन वी हैव द कोंकण कोस्ट, देन वी हैव द मालाबार कोस्ट। दिस पार्ट्स रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल बाय द साउथ वेस्ट मानसून। मानसून आएगी तो मानसून रेन घर जाती है, बारिश होना शुरू हो जाता है इधर, बारिश हो, मानसून रेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक सीधा इधर चली जाती है। We will discuss about it in the chapter climate about the phenomena of monsoon. This rain start. It has a fixed periodic motion. We can say monsoon is the seasonal rain. It has the periodic motion. It starts and it arrives in Kerala. It strikes the Kerala in the first week of June. June ke first week mein strike. मीन्स इट इज अराइविंग ऑफ द मॉनसून। फर्स्ट वीक से लेट हो गया तो वी कंसिडर द मॉनसून इज लेट इन दिस ईयर। अब ये ऑरोग्राफिक रेन यहाँ क्या है, इट इज अ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट होने से एज द मॉइस्ट लेडन विंड्स क्लाइम्स अप इट्स कूल डाउन एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, सो दिस पार्ट्स रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल। बट दिस पार्ट, ये जो पार्ट हो गया ये हो जाएगा लीवार्ड एरिया, मतलब यहां बारिश का मास्टर तो सारा इधर बारिश हो गई, कुछ बचा नहीं तो उधर जाएगा तो क्या होगा, बारिश का। यहां एग्रीकल्चर, कम एग्रीकल्चर सपोर्ट होता है, बट ये कोंकण कोस्ट इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैसोनट, काजू की खेती के लिए बहुत ही फेमस है। और जब यू आप रेल का डिवीजन पढ़ेंगे तो रेल के डिवीजन में
एक डिवीजन जो आपको मिलेगा, वो डिवीजन जो मिलेगा आपको वो कोंकण रेलवे भी मिलेगा। इफ एनी क्वेरी, इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट, इफ नॉट देन वी विल डिस्कस इन एनी अदर चैप्टर्स। इफ यू सी द लेंथ ऑफ द कोंकण रेलवे, नंबर ऑफ टनल्स एंड द ब्रिजेस, एंड इफ वी हैव द नंबर ऑफ मीन्स लेंथ ऑफ द टनल्स एंड द ब्रिजेस, इट इज ऑलमोस्ट 80%। मतलब कि उस रेलवे में सिर्फ या तो टनल बना हुआ है या ब्रिज बना हुआ है। वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट द कोंकण रेलवे देश। ये वी हैव गॉट इट अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। नाउ वी आर कमिंग टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इफ यू आर एबल टू रिमेंबर, जस्ट कैन टेल मी व्हिच स्टेट इट इज देयर। यहां पर आपको आ जाएगा फर्स्ट वन तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर जाएंगे तो हमको मिलेगा एपी, मतलब के आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से और ऊपर जाएंगे हमको मिलेगा उड़ीसा। आप उड़ीसा से ऊपर जाएंगे तो हमको इस पार्ट्स में वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश का रीजन हो जाएगा। ये बांग्लादेश का रीजन हो जाएगा वेस्ट बंगाल। मतलब कि ये जो इलाका है इट कम्स अंडर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये टोटली ईस्टर्न मैंने बना है, उससे भी ये लग रहा है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसका एवरेज 10 से 50 किलोमीटर का, इट इज फ्रॉम 100 टू 130 किलोमीटर। जो सबसे कम होगा ये लगभग उड़ीसा के पास होगा जहां चिल्का लेक है, और आंध्र प्रदेश के पास थोड़ा सा ये फैला हुआ है। रिवर्स, इफ यू सी द एटलस यू कैन गेट द रिवर्स, स्टार्ट फ्रॉम उड़ीसा। यहां से देखेंगे आप महानदी, गोदावरी, देन इट इज कमिंग द कृष्णा एंड कावेरी। कावेरी कर्नाटक में तक बहुत फेमस है कावेरी रिवर्स, बिकॉज इट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू स्टेट्स। कावेरी रिवर डिस्प्यूट वी आर मेकिंग ए स्टडी अबाउट इट फ्रॉम द वेरी जूनियर क्लासेस, फ्रॉम द क्लास सिक्स इटसेल्फ, बिकॉज इट इज अ बोन ऑफ कंटेंशंस बिटवीन द टू स्टेट कर्नाटक एंड तमिलनाडु ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। मोस्ट ऑफ द वाटर इज बींग होल्ड बाय द कर्नाटक, तमिलनाडु को मिलता ही नहीं है। बहुत हल्ला चिल्ला हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर दी तो कर्नाटक गवर्नमेंट पानी छोड़ देता है, लेकिन दोनों ने डैम बना कर रखे हो। बट वी आर नॉट गोइंग टू इन दैट पार्ट्स, वी आर गोइंग दीज फोर रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर द फॉर्मिंग द डेल्टिक रीजन्स। दीज आर द वेरी मोस्ट डेल्टिक रीजन। लेकिन अंतर है, यहाँ मैक्सिमम रेनफॉल टेक प्लेस करता है, बट दिस डू नॉट टेक फॉर द टेकिंग प्लेस द रेनफॉल। ये विंड इधर से तो आई है लेकिन इधर नहीं घूमती, ये सीधा चली जाती है, ट्राई टू गो टू द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत रीजन। इट ट्राई टू गो टू द प्लेट्यू ऑफ रीजन। इसीलिए हमारे यहाँ सीधा देखोगे मैप में तो बांग्लादेश के ऊपर में मिलेगा आपको असम, और उसके नीचे में मेघालय। मेघालय की सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसके बाद इधर का जो हमारा प्रेशर कम होता है तो विंड इधर मूव करती है। मतलब कि ये जो साउथ वेस्ट से मॉनसून आया, इट डज नॉट मेक मच रेनफॉल। ये ना कि बिल्कुल नहीं होता, रेनफॉल होती है, कम होती है, बट इट टेक्स द लेस रेनफॉल इन दिस एरिया तमिलनाडु रीजन। इस यहाँ तक कम बारिश होती है। ये सब जो बारिश ज्यादा होती है इट इज ड्यू टू द रिटर्निंग मॉनसून, दैट इज वी कैन से नॉर्थ ईस्ट मानसून। यहाँ जो बारिश होगी वो नॉर्थ ईस्ट मानसून दैट स्टार्ट ओरिजिनेट इन द वे ऑफ बंगाल। इसी टाइम में सबसे ज्यादा साइक्लोन भी आ जाती है। साइक्लोन टेक प्लेस द मैक्सिमम इन दिस रीजन। ये साइक्लोन का डिफरेंट कंट्री जो इसके अगल बगल में है उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे और उनका नेमिंग हो जाता है, कौन क्या नाम देगा, किस बार कौन कंट्री नाम देगा। समटाइम्स इट इज इंडिया, समटाइम्स इट इज थाईलैंड, समटाइम्स मलेशिया, अदर कंट्रीज, बर्मा, म्यांमार इज देयर। इसको भी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वन
जो आंध्र प्रदेश के आधे से लेके लगभग तमिलनाडु का रीजन है, ये कहलाएगा तुमको कोरोमंडल कोस्ट। ये तमिलनाडु का आधा, पूरा तमिलनाडु, सॉरी आंध्र प्रदेश का पूरा हिस्सा, तमिलनाडु पूरा, आंध्र प्रदेश का आधा हिस्सा, यहां तक जो ले लेंगे वी कंसिडर्ड इट इज द कोरोमंडल कोस्ट। और उसके ऊपर का हिस्सा जो जाएंगे वो चिल्का लेक आपको दिखाई देगा, चिल्का लेक से थोड़ा सा ऊपर, इट इज कॉल्ड नॉर्दर्न सिल्क। ये सरकार का ही रूप है, मतलब कि इस इलाका में, ये जो इलाका है इट वॉज बींग गवर्न्ड बाय द, रूल्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा था, पार्ट था, शासन था, व्हिच वाज अर्लियर द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, जो पहले मुगल एम्पायर का पार्ट था अब ब्रिटिश इंडिया हो गया, इसलिए सरकार से सरकार बन गया था। तो वी हैव गॉट इन फर्दर क्लासिफाई, तो उसके ऊपर अगर जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं उत्कल पोस्ट। उत्कल क्यों? तो उड़ीसा इज ऑल्सो नोन एज द उत्कल, और हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, एंथम है, उसमें उत्कल वर्ड यूज किया गया है। उत्कल किसके लिए यूज किया गया है? उड़ीसा के लिए। तो ये इफ यू सी द मैप, इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट लोकेट द चिल्का लेक, चिल्का लेक के ऊपर तक तो हमारा नॉर्दर्न सरकार है, उसके ऊपर वाला जो कोस्ट हो जाएगा जनरली इट इज अ उत्कल कोस्ट। तो वी हैव गॉट द उत्कल कोस्ट, देन वी हैव गॉट द नॉर्दर्न सरकार, वी हैव गॉट द कोरोमंडल कोस्ट, इसका विड्थ वी हैव गॉट इट, इट इज द मोस्ट फर्टाइल रीजन। एंड ड्यू टू फर्टिलिटी, फर्टिलिटी क्यों हो गई? बिकॉज इट इज अ डेल्टिक रीजन, ड्यू टू बींग अ डेल्टिक रीजन इट इज अ फर्टाइल रीजन। और फर्टाइल रीजन हो कि यहाँ जो सबसे ज्यादा खेती होती है दैट इज ऑफ राइस, राइस उसका पल्सेस, व्हीट की खेती होती है, कम होती है, बट इट इज फेमस फॉर राइस। दैट इज साउथ इंडिया, इफ यू विजिट साउथ इंडिया देन यू कैन गेट द राइस इजली, बट व्हीट जो जहां प्रोडक्शन होगा जहां, इट मीन्स वी हैव थॉट अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वी हैव थॉट अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, बाइफर्केशन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, व्हेन इट रिसीव्स, इट इज ऑब्वियस दैट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रिसीव्स मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, ये ज्यादा, ये कम, ये कौन सा करेगा? ये नॉर्थ ईस्ट मानसून जो बे ऑफ बंगाल से, दैट वी से द रिटर्निंग मानसून, उसके कारण इस इलाके में बारिश होती है। इट मीन्स जब हमारे यहाँ सर्दी होती है दिसंबर में, सब पूरा पैक हो जाते हैं, एट ए टाइम्स द दीज पीपल्स आर फेसिंग द रेन। ये इक्वेटर के बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 8 डिग्री 4 मिनट है, तो 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर, 850-900 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, ये टोरिड जोन हो जाएगा, हाफ इंडिया के नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे टोरिड जोन होगा। इट मीन्स इन दिस वी हैव डिस्कस, फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द कोस्टल प्लेन। Now we will continue the discussion, and this time we will discuss about the Thar desert. ये जो इलाका है, दिस इलाका, इफ यू फाइंड द अरावली रेंज ओवर हियर, जस्ट रिमेंबर विंध्या रेंज जस्ट बिलो इज द सतपुरा रेंज, जस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली रेंज,
we have the desert. Why this desert has been formed? This desert has been formed because there is a lack of water. We know that in a continent, if we move from east to west, rainfall decreases. किसी भी continent, India is considered as a subcontinent. That's why most of the deserts are found on the western margin of the country. किसी भी country के western margin पे हमको क्या मिलेगा? Desert मिलेगा. Why we are finding the desert? The desert is a continuous lack of water. As we move from east to west, rainfall decreases. यहाँ पानी नहीं, बारिश नहीं होगी, तो no vegetation will take place. And if there is no vegetation, it means it is the birth of a desert. ये जो थार desert is a very big desert. It is not only in India, it is a part in Pakistan also. But इसका 85% is in India and only 15% it is in Pakistan. Pakistan में भी दो स्टेट ही है, क्या हो जाएगा? पंजाब एंड सिंध. इंडिया में which states are the part सबसे ज्यादा? राजस्थान, विच अकाउंट 60%, देन वी हैव गुजरात, देन वी हैव पंजाब, देन वी हैव हरियाणा. विच स्टेट्स बाउंड्रीज द इंडियन डेजर्ट, कहाँ कहाँ तक फैल गया हुआ है? इट इज एट राजस्थान, मैक्सिमम इज इन द राजस्थान. Then it is the Gujarat, then Punjab and Haryana. Punjab यहाँ भी है, Punjab यहाँ भी है. ये जो Punjab region है, उसका 2/3 Punjab is in Pakistan. ये जो यहाँ है, ये 2/3 Punjab है. It is 2/3 part and it is only 1/3 part. ये देखिए, 2/3 कहाँ है? पाकिस्तान में. 1/3 कहाँ है? इंडिया. अभी डिजर्ट रीजन हो जाएगा तो डिजर्ट रीजन में रेनफॉल बहुत ही कम होगी. व्हाट इज द रेनफॉल? रेनफॉल इट रेंजेस फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर. हाउ मच? इट इज 10 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर. और यू हैव बीन टोल्ड दैट इफ वी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, रेनफॉल डिक्रीजेस. इट बिकम्स वेरी मच क्लियर आइडिया that in eastern part we have 50 cm rainfall and the western part we have 10 cm rainfall. Jaisalmer district sabse kam rainfall hoti hai. Jaisalmer Rajasthan ka sabse Pakistan ka border ilaka hai, wahan 10 cm hi rainfall hoti puri saal mein. If we talking about the average rainfall, it is only the 10 cm. अभी रेनफॉल कम हो तो वेजिटेशन तो होगी नहीं. तो व्हिच टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन? तो कोर्स ग्रोन क्रॉप, कोर्स ग्रेन्स लाइक बाजरा, ज्वार जिसको सोरगम बोलते हैं, ये सब की खेती होती है. अब डेजर्ट होगा तो कुछ शेप तो होगा ही होगा. एक जो जनरल शेप मिलता है हमको मिलता हो, दैट इज कॉल्ड मशरूम रॉक्स. जो शेप में मिलेगा, एक हमको क्या मिलेगा? एक मशरूम रॉक्स. देन वी हैव द अनदर फीचर्स. अनदर फीचर्स को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वाटर्स में जब हवा बहेगी तो उसका जो वेव होती है, तरंगे होती है, उसका कई नाम दे दिया गया. तो जस्ट अप एंड डाउन. इफ इट इज वेरी स्मॉल, छोटा है, जो रिवर में या तालाब में दिखने को मिलेगा, तो उसको बोलेंगे हम रिपल्स, तरंगे. लेकिन उसकी हाइट बढ़ गई, जो हमको रिवर में नहीं ओशियन में सी में मिल जाता है, इट्स हाइट बिकम्स 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर तक ऊंचा हो जाएगा.
then it is called the wave. And when its height rises and goes up to the 10 meter or 15 meters, then it is called tsunami. Three different names has been given to the same structures. In the same way, in desert also we find the different shape. एक तो देखते होगे गर्मी की सीजन में रोड पे कच्ची रोड पे अनमेकेनाइज रोड पे धूल उड़ाता है, हवा चली तो कुछ ना कुछ कहीं पर जमा, कहीं पर साफ हो गया, कहीं पर जमा हो गया, एक शेप बनता है. इन द डिजिट ओनली सैंड इज देयर एंड ट्रोसली इट वुड मेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप. एक जो बनाता है कि सैंड को उड़ाया कहीं जमा कर दिया, इट मीन्स इट इज द हिल ऑफ सैंड. व्हेन इट इज हिल ऑफ सैंड इट इज कॉल्ड सैंड ड्यून्स. हिल का भी कई शेप बन जाएगा. I would like to make you understand. If possible, इस शेप बना लिया. ये मून का शेप का है, क्रिसेंट मून, नॉट द फुल मून, क्रिसेंट मून, आधा से कम वाला जो मून होगा, कॉन्वेक्स टाइप शेप, इधर से कॉन्वेक्स, इधर से देखेंगे तो कॉनकेव. अगर इसको थोड़ा सा इधर बना के देखें हम, ये जो शेप है, इधर वाला शेप है और ये शेप है, ये स्लोप बन रहा है, ऐसे जमा हो गया, उधर टाइप का ज्यादा डीप है, लेकिन ये एसिमेट्रिकल शेप है, एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल मीन्स इट इज कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम द एक्सिस लाइन, फोल्ड किया जा सकता है. दिस इज शेप ऑल्सो द कॉमन दैट इज फाउंड ओवर देयर. एक शेप होता है, लगता है कभी कहीं कहीं पर शेप है कि ये कोई एनिमल स्लीपिंग कंडीशंस में है, एनिमल्स आर इन द स्लीपिंग कंडीशंस. तो एक क्रिसेंट टाइप शेप मून का, इट इज कॉल्ड बार्जेंस. ये जो शेप बन जाएगा इसको बोलेंगे बार्जेंस. बॉर्डर पर जाएंगे तो कॉमनली मिल जाएगा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पर. एक तो ये दूसरा शेप और बनता है. द सेकेंड शेप दैट वी आर एबल टू फाइंड इट आउट, दैट इज ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बन जाएगा. और दिस लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, इट इज द डायरेक्शन ऑफ एयर. इन द डायरेक्शन ऑफ एयर इट इज अ सैंड ड्यून, बट इज द पैरेलल सैंड ड्यून व्हिच इज पैरेलल, ये बन जाएगा. जनरली इसकी हाइट वेरी करता है, इट इज 4 मीटर टू फ्यू किलोमीटर्स, 4 meter height, too few kilometers in length. But if the desert is big, the height may go to the 10 meter and a little bit more than the 10 meters. And if length go in the maybe many kilometers. It is a longitudinal dunes that we are finding it. Now, one thing was we're discussing it, that the desert area is the lack of water. It means, can you imagine what type of flora and fauna is found? Animals to rahenge wahan pe. Jo plant grow karega, date, khajur bahut kheti hoti hai. Cactus wahan ka to bahut mana jata hai.
कैक्टस खाने के लिए तो नहीं, लेकिन सजावटी है, बिकॉज कैक्टस लीव इज मॉडिफाइड टू स्टेम, और जो स्टेम है वही सारा फोटोसिंथेसिस होगा, लीफ जो है वो बन गया है तुमको थॉर्न में, और जो स्टेम है ऑल द वर्क इज फोटोसिंथेसिस डन बाय द स्टेम. एक वर्ड आएगा ओएसिस, ओएसिस इट मींस वी कैन से इट इज अ ग्रीन पैच बिटवीन द डेजर्ट, डेजर्ट के बीच में जो ग्रीन पैच है इसको ओएसिस बोलते हैं. मरुद्यान हिंदी में मरुद्यान मतलब कि मरुस्थल के बीच में कोई उद्यान हो, मींस वनस्पति हो, मींस वेजिटेशन ग्रो कर रहा है, व्हाट इज कॉल्ड ओएसिस. तो वी कैन फाइंड ए पैच ऑफ ओएसिस, बट फेट ऑफ द थार डेजर्ट इज चेंजिंग. ये जो हमारा बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे देखोगे इंदिरा कैनल, इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट इन द मैप यू कैन गेट द इंदिरा कैनल, हरिका डैम से जहां पर कन्फ्लुएंस ऑफ द सतलज एंड द ब्यास पंजाब में, जो पंजाब इंडिया में उस पंजाब में कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस बोलते हैं द पॉइंट वेयर द टू रिवर मीट्स, एट द कन्फ्लुएंस हरिका बैराज है, एट द हरिका बैराज डाउन ऑफ द हरिका बैराज ए कैनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, अर्लियर इट वॉज नोन एज द राजस्थान कैनल, नाउ इट्स नेम हैज बीन चेंज्ड एंड इट्स नेम इज इंदिरा गांधी कैनल. ये इंदिरा गांधी कैनल जो है ये लगभग 650 किलोमीटर लॉन्ग है, पंजाब से स्टार्ट करेगा, ये बिल्कुल कॉर्नर वाला हिस्सा लेगा पूरा डेजर्ट के एरिया में एंड जैसलमेर तक पहुंचते हैं, वहां से स्टार्ट करके जैसलमेर तक. इसके पास एक ओनली ओरिजिनल रिवर है लूनी रिवर, डेजर्ट में लूनी रिवर है जो अरावली रेंज में, अरावली रेंज रॉक करते हैं, इन अरावली रेंज द पुष्कर वैली, इट स्टार्टेड फ्रॉम द पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज एंड स्टार्ट करके लगभग 450 किलोमीटर 450 किलोमीटर लॉन्ग होगी है, ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में आके एंड कर जाते हैं. सिंपली इट इज द सीजनल रिवर, ये जो रिवर होगा ये सीजनल रिवर है, रिवर का नाम दिया जाए नेचुरल रिवर्स तो ओनली नेचुरल रिवर इट इज द लूनी, ये अरावली रेंज से स्टार्ट करती है पुष्कर हिल से और वहां से जाकर रन ऑफ कच्छ में गुजरात में खत्म हो जाएगी. बट कैनल्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड आर्टिफिशियली, इंदिरा गांधी कैनल्स अर्ली इट वॉज नोन एज द राजस्थान कैनल्स, स्टार्ट हुई कहां से, हरिका डैम से, हरिका डैम कहां है पंजाब में कन्फ्लुएंस ऑफ द सतलज एंड ब्यास रिवर, वहां से स्टार्ट होकर 650 किलोमीटर और वहां का फेट चेंज कर दिया और वहां ग्रीन आ गई. इट मींस के वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ द थर्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसको तो थर्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्जांपल देते हैं, ग्रीन पैच. अभी कहना मुश्किल होगा कि डेजर्ट में भी इतनी हरियाली आ गई है, इट मींस एटलीस्ट सेकेंड फीचर्स वी हैव गॉट इट. नाउ द अदर फीचर्स इट इज द आईलैंड, we have two island groups, one is in Bay of Bengal, another one is in the Arabian Sea. One which is in the Bay of Bengal, it is called Andaman and Nicobar Island, and one which is in the Arabian Sea, it is called Lakshadweep Island. This island group
अंडमान एंड निकोबार, टोटल ग्रुप इट इज ए कंपोजिशन ऑफ 572 आइलैंड्स, बट आउट ऑफ 572 अराउंड ओनली 38 आर टोटली इनहैबिटेड, जहां लोग रहते हैं परमानेंटली। ये अंडमान एंड निकोबार नाम दिया गया है, इट इज नॉट द वन, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय अंडमान सी बाय डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर, ई वी सी द डिस्टेंस इट कम्स 150 किलोमीटर, ये 150 किलोमीटर है। अंडमान कलेक्शन ऑफ 325, निकोबार इट इज अ कलेक्शन ऑफ 247 आइलैंड्स। इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक इज इन द पोर्ट देयर। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन व्हिच वाज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट व्हिच इज नॉट एग्जिस्ट राइट नाउ, इट गॉट सबमर्ज्ड ड्यू टू द साइन tsunami that has struck India। वहां पर लगभग 4 मीटर मोटा ऊंचा पानी जमा हो चुका है, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, अब है साउथ निकोबार। एक एक्टिव वॉल्केनो, इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, द नेम ऑफ एक्टिव वॉल्केनो इज बारेन आइलैंड, ये अंडमान में। नेम ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, इट इज द बारेल आइलैंड, इट इज इन अंडमान। देर इज ऑल्सो ए सेंचुरी हैज बीन, मैरीन सेंचुरी हैज बीन मेड अगेंस्ट द नेम ऑफ महात्मा गांधी। ये जो लक्षद्वीप है द डिफरेंट names, but later on all they were combined and make the same name, it is called Lakshadweep right now। Its administrative block in Kavarthi, it is not big, it is the collection of 36 islands, group of 36, out of 36 only 10 are inhabited, जो 36 है उसमें सिर्फ 10 में लोग रह रहे हैं, बाकी ये एक्चुअली बना हुआ है रीफ का या रॉक्स का, एक वर्ड मिलेगा एटोल और रीफ। रीफ हो गया ये वर्टिकल कॉलम, मीन्स जो रॉक्स हो जाएगा, आइदर ऑफ रॉक्स और ऑफ कोरल, कोरल हो गया तो शिप वगैरह, हार्ड बोन स्ट्रक्चर वाले एनिमल्स मर गया, उसका जो डिपोजिशन हो गया जिससे सेडिमेंटरी रॉक्स बनता है और रीफ हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ है, सबसे बड़ा कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया में। ये जो आइलैंड्स है 36, इसमें से जो कुछ है वो कोरल रीफ का भी बना हुआ है, कुछ रॉक्स का भी बना हुआ है, इसमें सिर्फ 10 पे इनहैबिटेड ग्रुप्स है। इस 10 में एक इनहैबिटेड है पिट्टी आइलैंड। ये पिट्टी आइलैंड इज द बर्ड सेंचुरी, ये बर्ड सेंचुरी है पिट्टी आइलैंड, पक्षिक पिट्टी आइलैंड है, पक्षिक हो गया बर्ड सेंचुरी, इसलिए पिट्टी आइलैंड है, यहाँ बर्ड सेंचुरी हो गई, यहाँ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, मैरीन सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ मीन्स मैरीन सेंचुरी हो गई, यहाँ पर मैरीन सेंचुरी है, और एक और यहाँ पर हमारे पास सेलुलर जेल भी है, व्हिच वॉज यूज बाय द ब्रिटिश पावर टू सप्रेस द इंडियंस, उसको हम लोग काले पानी की सजा बोलते थे, बिकॉज देयर इज नो वे टू कम फ्रॉम द पोर्ट ब्लेयर और द अंडमान निकोबार, उनको ले जाकर वहां डाल दिया जाता था, चले आते थे, जेल था। यू विल फाइंड मेनी फ्रीडम फाइटर्स हु हैड बीन वंस सेंट टू द सेलुलर जेल, बट लेटर ऑन दे वर ब्रॉट, ज्यादा तो नहीं आते थे लेकिन कुछ बचे, कैसा उनको खाना था, मीन्स देयर वेरी
यू कैन से मिजरेबल कंडीशंस दे वर लिविंग इट. खाने में कभी सांप मिल जाता था, कभी बिच्छू मिल जाता था, कभी कुछ मिल जाता था, घास उसका सब्जी खाना पड़ता था, कुछ भी बना के देते, मींस किसी तरह लाइफ जीने का. दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड द कालापन. सो वी हैव गॉट द फीचर्स ऑफ द आइलैंड ग्रुप इन द अरेबियन बे ऑफ बंगाल, देन आइलैंड ग्रुप इन द अरेबियन सी. वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वन इज द लक्षद्वीप आइलैंड. इट इज ग्रुप ऑफ 572. इट इज ओनली द 36. इसका एरिया तो 32 स्क्वायर किलोमीटर ही है. ये इतना 572 होने के बाद भी सारा का सारा इनहेबिटेड नहीं है. वी हैव गॉट द एक्टिव वोल्केनो. नहीं नाम सुना था, सुन लीजिए. एक्टिव वोल्केनो, इट इज इन द अंडमान. ये अंडमान, इट मीन्स टिल बाय दिस वीडियो वी हैव गॉट ऑल द फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया. थैंक यू. दिस इज फिनिश्ड.